इतरत साहिबा जो है ये क्यों नहीं मुराद के लिए स्टैंड लेती, उसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम ये फजीलत तो ऐसा नहीं है सारी बहनों को एक ही शुरू से ऑब्वियसली इतरत सपोर्ट कर रही होती है मुराद को, बट आई थिंक फॉर द लास्ट टू एपिसोड्स मैंने कुछ उल्टी हरकतें की हैं तो मुझे उस पर बड़ी कुछ बाकी तीनों जो है वो अलग अलग रही है, ये अपने बॉय के पास रही है, मेरी अलग मुराद वाकई फंसा हुआ है या मुराद इज अ वीकलिंग, ठीक है वो ऊपर मन्नत से लड़कर आया बट ही शुडंट हैव गॉन टू हिज मदर लाइक अ बेबी, आप व्हाट डू यू थिंक मुराद की साइड, मुराद ने से वही किया जो लिखा हुआ था, हां वो तो फर्स्ट डायरेक्टर ने कहा है कि वो वाला घर है जहाँ पे लड़कियों को जो है वो कहा जाता है कि तुम गर्दन वाली बोटी ले लो, लेकिन भाई के लिए जो है वो लेग पीस होना चाहिए, सिर्फ फाइनेंसिस ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, मर्दों की भी मेंटल हेल्थ और इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिस तरह हमारे होते हैं, क्योंकि हम तो रोज आते हैं हम अटेंशन ले लेते हैं उस तरीके से, शायद मर्द उस जगह पे थोड़ा सा लैक कर जाते हैं जिसको हमें इम्पोर्टेंस देनी तो चाहिए, बहुत बड़ी बात है औरत कितना भी कमा ले कुछ भी आप औरत के, मुझे लगता है शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आप कुछ भी कर ले दुनिया में कितनी मार्च कर ले, जो मर्द का रुतबा अल्लाह मियां ने रखा है और उसकी कमाई में बरकत रखी है उसका नेमुल बदल दुनिया में कुछ भी नहीं है। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha magazine. Today we are doing a Murad sisters special. मुझे बड़ा मजा आता है ये कहने का क्योंकि जब से मैंने कहानी ये इस वीडियो का आइडिया सोचा था तब से मेरे दिमाग में था मुराद सिस्टर स्पेशल, और जब मैंने ग्रुप भी बनाया मुराद की सिस्टर्स के साथ उस पर भी लिखा हुआ है मुराद सिस्टर स्पेशल, तो हम चारों को एक साथ नहीं कर पाए क्योंकि वो उनके स्केड्यूल्स बहुत बिजी हैं, सो वी हैव टू एंड टू ऑफ देम अगेन, सो इस पार्ट में वी आर गोइंग टू मीट इतरत एंड फजीलत विच इज़ मिज़ना वकास एंड रहमा जमान, तो मुलाकात करते हैं उनसे और पूछते हैं भाई ये मुराद की बहनों को मसला क्या है, ना मुराद को आराम से रहने दे रही है ना मन्नत के साथ प्यार से बात करती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसले देखे हैं लेकिन मुराद बेचारे पे रहम नहीं आता, सो ये आज सवाल जवाब हो ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप लोग बताएं। बिल्कुल ठीक। कैसी है मिज़ना? मैं ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। एंड कैसा चल रहा है, कैसा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों को आपके कैरेक्टर्स का? रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। लोग गुस्सा है या लोग समझ रहे हैं बहनों की कोई साइड्स भी ले रहा है या आप लोगों को आता है कि क्यों कर रही हैं आप लोग मुराद के साथ ऐसे? अच्छा मेरे ख्याल है फजीलत तो ऑलरेडी सपोर्ट में ही थी मुराद के एंड आई वाज आल्सो सपोर्टिंग, स्लिप कर जाती है ना फजीलत ही, जब मुझे लगता है ये करिए तो कुछ ना कुछ कहती हूं फजीलत आप तो मुराद की साइड पे थी, ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरे साथ भी सेम हुआ था, शुरू से ऑब्वियसली इतरत सपोर्ट कर रही होती है मुराद को, बट आई थिंक फॉर द लास्ट टू एपिसोड्स मैंने कुछ उल्टी हरकतें की हैं तो मुझे उस पे बड़ी कुछ फोन कॉल मुराद को पता नहीं, मैं शायद फॉरगिव ना कर सकूं फोन कॉल के लिए जो गई ना, like how can she do this, you know? I know. और आपको मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, अगेन जो बहुत सारे लोग ऐसे हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते अपनी ये सारी चीज़ें, वो मुझे अक्सर मैसेज करके कहते हैं कि हम जब भी देखते हैं हमें रोना आ जाता है, हम बहुत रिलेट करते हैं इन चीज़ों को कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और वो जो अम्मा का एक सलूक है ना अलग वाला कि अंडे बना लो और ये कर लो और हाथ झटकना और धक्का देना, तो कहते हैं वाकई में हम सब ये फेस करते हैं, लोग मानते नहीं है कि ऐसी माएँ नहीं होती लेकिन होती हैं ऐसी माएँ। मुझे तो सबसे मज़े का लगा ना जो कल रात की जो एपिसोड आई उसमें निगी ने जो आके ना कहा फजीलत आप ही ने कहा 5 मिनट है पता नहीं 2 मिनट है फौरन आ जाओ वरना डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं मिलेगा, माय गुडनेस मैंने कहा ये जुमला मैं शर्तिया कह सकती हूँ पाकिस्तान के कोई यू नो 60% घरों में तो ये जुमला बोला जाता होगा कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगे आ जाओ 5 मिनट की जो होती है ना, आई वाज लाइक दिस इज सो गुड सो गुड सो रिलेटेबल यू नो, आई वाज स्माइलिंग एंड लाइक, और मुझे थोड़े से संपत्ति के वोट इसलिए भी मिल जाते हैं कि वो जो मेरे पीछे बहन भाई बातें कर रहे हैं वो आपस में यही बात कर रहे हैं कि उनको इलाज की जरूरत है उनको दवा देनी है वो अपसेट हुई हुई है उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो मुझे ज़रा पॉजिटिव क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिव किया है, मिलते ही मुझे ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। फजीलत के कैरेक्टर से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रही है ना क्योंकि वो एक बैकग्राउंड दिखा दिया है ना ड्रामे ने जस्टिफाई कर दिया है तो हम उसको बुरा नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे समझ आ रही होती है मैं उसको वो असल में वो वाली फ्रस्ट्रेशन थी जो शौकत कहता है ना कि इसकी तो शादी नहीं हुई exactly, हमारे बच्चे देख के जलती है हमारे घर बसे हुए हैं इसलिए उसको बुरा लगता और बहन भी उसके साथ और बहन ने कुछ कहा भी नहीं और वो
खैर बहुत ही वो बिलो द बेल्ट जुमला था बहन का भी कि तुम जलती हो ना हमारी शादियों से, तो वो तो क्योंकि वो जस्टिफिकेशन ड्रामे ने दे दी है तो हमें फजीला का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं लगता, इनफैक्ट वी जस्टिफाई एंड वी आर होपिंग कि कुछ ना कुछ हो जाए कि उसको भी यू नो खुशी मिल जाए और वो सही हो जाए. आई थिंक हम सबकी सिंपथीज और हम सबकी दुआएं शायद गुड विशेज फजीलत के साथ ही हैं. और फिर मेरे साथ ज्यादा जो बॉन्डिंग दिखाई है ना ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी वो सना के साथ रही है जिन्होंने छोटी बहन का जो कैरेक्टर प्ले किया, क्योंकि दोनों तो अपने घर में होती है अब तो आ गई है, के सीन ज्यादा अब तो आ गई है दोनों लीला डालने के लिए. अब मैं देखूंगी फजीलत क्या करेगी अब क्या अब बहुत मजा आने वाला है मुझे लग रहा है ना. इट्स गोना बी सो फन बिकॉज़ हमने जो ये वाला स्पेल है वो शुरू के दिनों में शूट किया था, ये बाद वाला स्पेल हाँ जी जो हम सब बहन बहनें आई नहीं है तो बहुत मजा आता था बिकॉज़ हाउसफुल होता था हमारी फैमिली फजीलत की सारी नदरत की सारी फैमिली और पूरा हाउसफुल होता था, बहुत मजा आता था. तो अब मजा आएगा स्क्रीन पे भी ज्यादा. तो ये इतरत साहिबा जो है ये क्यों नहीं मुराद के लिए स्टैंड लेती, मैं ये सोचती हूँ क्योंकि इतरत ने खुद अपनी लव मैरिज की ना. मैं यही कहती आई हूँ तेरे व्यूज में कि मुझे इतरत और निगी से सबसे ज्यादा शिकवा कल मेरे पास आया भी था, मैंने शेयर भी किया. मैं फजीलत और नुदरत को फिर भी समझ सकती हूँ कि उन एक का अपना पर्सनल ट्रॉमा और एक का अपनी सिचुएशन ऐसी है दैट वो उसको नहीं देख सके, लेकिन इतरत और निकी मुझे ऐसी लगती है जिनको स्टैंड लेना चाहिए था. तो ये क्या होता है इतरत चलते चलते स्लिप क्यों कर गई है? नहीं आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि जब इतरत ने उनको देखा ना बाहर तो वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी क्योंकि इतरत को पता नहीं है कि लव मैरिज हुई है या तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ऑब्वियसली मैं सपोर्टिव होती, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा. और बेटियां माओ की सगी होती हैं नो मैटर व्हाट, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाँ अम्मी तो ठीक कह रही थी, ये तो मुराद भी हमारे साथ चलाकी कर गए. तो वो जो एक होता है कॉल घुमा के अम्मी को बताया कि अम्मी पता है मैंने इसको आज यहाँ देखा था, तो वो एक होता है क्योंकि ऑन माई ओन आई वॉज फेलिंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मतलब क्यों इस तरह, या तो मुझे पता होता कि पहले से मुझे तो नहीं पता था, मेरे लिए भी वो एक अरेंजमेंट किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मुराद और मन्नत को ही पता था और आई थिंक उस्मा जी को पता था उधर से, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा वो होता है. और वो जो अम्मा को बताने वाला एक होता है बस वो एक आया जिसकी वजह से मुझे भी बुरा लगा था क्योंकि उसके फौरन बाद सीन काट के लगाया था कि मुराद को थप्पड़ पड़ गया. मैंने कहा है ये मैं नहीं चाहती थी कि इतना ज्यादा बुरा हो जाए. नहीं वो जस्टिफाइड था क्योंकि डिवोर्स वाली बात पे हम तीनों ही का मूड ऑफ था. मम्मी के साथ सिर्फ एक बहन मिली हुई नहीं, डिवोर्स वाली बात पे तो इतरत ने स्टैंड लिया कि शौकत भाई आप गलत बात करें, इतना भी नहीं होना चाहिए, तलाक दे दे. लेकिन क्योंकि मैं सोची ना कि इतरत ने खुद, क्योंकि इतरत को समझ आ रही है ना कि कैसे ये लोग सब लव मैरिज के अगेंस्ट है, तो आई थॉट शी वुड अंडरस्टैंड कि ये उसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम ये फजीलत का बच्चा नहीं है सारी बहनों को एक ही. अच्छा आपको लग रहा है ये जो इतरत ने फोन कॉल किया, इतरत का जो बिहेवियर है उसकी वजह से फैसल ने ये डिसीजन लिया है? Is it because of that? It's not because of that. उनका because उसने कहा ये तो इतना कुछ करने के बावजूद ये लोग तो मुराद की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रही. आई थिंक ये मेरी भी नहीं समझेगी तो आई शुड डू व्हाट्स गुड फॉर माई करियर प्रॉपर्ली, बट आई थिंक इतना ज्यादा उनका कंसर्न इस पर नहीं. वो मुझे ऑन एंड ऑफ समझा रहे होते हैं फैसल कि इतरत तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम तो समझो उसकी बात को, बिकॉज मेरी और फैसल की शादी मुराद ने करवाई होती है अम्मी से लड़की करके और सारा जो बैकग्राउंड है उसका कि हम लोगों को बड़ा सपोर्ट किया होता है, तो या तो मुराद को मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए. अच्छा शिकवा इस बात के, आज हमें पता चला कि इतरत को शिकवा, मुराद भाई आपने क्यों नहीं बताया, फैसल को बता रहे आप चीजें, इतरत को नहीं बता रहे, ये गलती ये हुई आप. बिल्कुल ठीक है, इतरत को बताना चाहिए था, मैं हमेशा उनके साइड पर थी. तो हाँ लेकिन फैसल का तो अपना ही वो चल रहा है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और मियाँ अक्सर जो शोहर होते हैं वो इसके बीच में पिस जाते हैं कि अगर बीवी नहीं जा रही वो जाएं और उनकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो जाना पड़ता है. और मैं वही कहती हूँ कि भाई आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं और आप पहले तो वो कन्विंस हो जाते हैं फिर वो फिर से जो बॉस है ना ये नहीं ये इतरत ने जो किया है ना मुराद के साथ, मुझे लगता है वो फैसल को की आंखें खुली थोड़ी सी. फजीलत का कैरेक्टर करने में कोई चैलेंज था? बिकॉज You have to have a balance. वो बहुत ज़्यादा किसी एक्सट्रीम पे हम जाते हुए देखते नहीं हैं उसको. उसका स्विच बहुत जल्दी होता है, मतलब वो एक नेगेटिव में जाके एक न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव पे मुसलसल उसका ना वेव ऐसे. तीन चैलेंजेस थे. या सबसे पहला जो को एक्ट्रेस थे उनको एतराज़ था इस बात पे कि मैं उर्दू बोलती हूँ, तो उर्दू स्पीकिंग ओके. तो मुझसे डे फर्स्ट ही मेरा सीन हो रहा है, मैं बैठी हुई हूँ, अब डायरेक्टर हमारे काफ़ी दूर होते थे और वो हर वक्त हेडफोन्स नहीं पहन सकते कि क्या डिस्कशन हो रहा है, तो सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है. तो मुझसे कहा गया कि आप ना कोशिश करो थोड़ा झटका दे के बोलो, थोड़ा पंजाबी में बोलो. अच्छा, तो मैंने कहा वो फैमिली के साथ ब्लेंड इन होने के लिए, मैंने कहा फेक एक्सेंट हो जाएगा. और मैंने कहा तीनों बहनें ही उर्दू स्पीकिंग है तो फिर मैं एक अकेली कैसे, बस एक ही है जो वो रहा वही वहाँ पे रही है. तो फिर उसके बाद ना वजाद सर ने एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आके, पहले तो वो देखते रहना कि हो क्या रहा. वो आते हैं बस आखिर में कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की. तो वजाद सर उठ के आए और आके कहने लगे भाई देखें बात ये कि एक बेटी ना माँ के क्लोज है तो उसका लहजा वैसा है,
जो सही बात है, हाँ। और बाकी तीनों जो है वो अलग अलग रही हैं, ये अपने बॉय के पास रही है, मेरी अलग और वो क्रिकेटर में उसका इंटरेस्ट है। और सना को उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया जो सबसे छोटी बहन है कि भाई वो तो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पे सब उर्दू में बातें कर रहे हैं और आप ऐसे तबके की एक ऐसे इलाके की कहानी दिखा रहे हैं, मतलब ठीक है जो भी फैमिली है लेकिन आपने खुद देखा होगा कि सब यहाँ आके उर्दू बोलते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये था। दूसरा ये था कि मैंने नेगेटिव बहुत किया है तो मेरे पूरे पूरे मोनोलॉग्स होते हैं जो मुझे वन गो में बोलने होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे पहले दिन ही वजाहत सर ने कहा स्पीच स्लो रखनी है, टोन डाउन रखनी है। तो कभी कभी ना मैं जल्दी में होती थी, मिजना वापस फजीलत अच्छा दोबारा करेंगे, इससे अच्छा कर सकती हैं आप, कहती थी अच्छा। और एक और चीज़ जिससे मुझे कोई मसला नहीं है वो ये कि कुछ सीन्स की ऐसी डिमांड थी कि वो कहते थे, मेरे मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ होते हैं, वो कहते थे मेकअप मत करवाना, मुंह धो के सबसे पहले ये सीन करवा उसके बाद मेकअप करवाना। तो ये था। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज मुझे ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत मसला होता है जब मैं हीरोइंस को या हम अपने एक्टर्स को हॉस्पिटल के बेड पे देखते हैं विद मस्कारा लगे हुए और यू नो ब्लश एंड लिपस्टिक, या एक बहुत रोने वाला सीन जहाँ आप कहेंगे कि इस वक्त इंसान की हालत बुरी है तो वो मेकअप में नहीं होगा, उसमें देखते हैं रोते हुए भी प्यारे लगे ना। हाँ, तो फिर नेचुरल मेकअप भी, न्यूड मेकअप भी कोई चीज नो, बट आई फील लाइक कि यहाँ पर डायरेक्टर का से बहुत मैटर करता है क्योंकि कुछ मैंने भी काम किया इस तरह से कितनी बार, तो वो लोग नहीं इस चीज को नोटिस भी नहीं करते। इवन मैं तो सर्वजात से कहती थी कि आपके साथ काम करने के बाद अब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ इसने मुझे क्यों नहीं कहा कि यहाँ आपकी लिपस्टिक क्यों है या मस्कारा क्यों आपका हो गया, दे जस्ट लेट इट गो। तो आई थिंक ये डायरेक्टर का बहुत इसमें पार्ट होता है प्ले करने का कि भाई आप सर्वजात का हर जगह कॉन्ट्रीब्यूट था, मतलब पहले हमारे ड्रेसेस की जो पैलेट कलर पैलेट थी वो आप देखें मेरे सारी लाइट टोन है, बहुत बुझा हुआ ब्लैक, मतलब देखने से पता चल रहा है, और जो हमारे मूड है ना उसी तरह से लाइट हुई हुई है सीन के अंदर। तो ये था। दूसरा इनको कहा गया था कि भैया थोड़ी रिच दिखाई है तो इधर हाँ। और एक कुर्ता ऐसा था जो हम दोनों का एक जैसा था तो मुझे वजाहत सर कहते ग्रीन वाला अच्छा। कहते आप ये पहन चुकी है अब आप नहीं पहनेंगी जब तुम दूध बना रहे हो, कहते बहन ने पहन लिया अब आप नहीं पहनेंगी। मैंने कहा लाइफ स्टाइल तो इज्जत का फर्क है, वो तो पहले दो एपिसोड से ही पता चल रहा था, बल्कि मुझे थोड़ा रिवाइंड मिल गया ये नहीं कि मैंने और सना के कपड़े तो हम ऐसे जोड़ते थे उसका दुपट्टा उठा लो उसकी शर्ट कर दो, वो तो बेचारी पूरे टाइम में चाय और पराठे बना रही है सबसे छोटी वाली के ना। और हम लोग हर बार जब सीन का पूरी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे होते थे ना सबको कि भाई ये हम दोनों खड़े हुए आप दोनों को तो पता है क्या करना है, मैंने कहा किचन से आना सहन में वापस निकल जाएंगे या जूझ बाजूझ की जोड़ी यहाँ से निकलेगी वहाँ चली जाए और क्या करना है, मैंने कहा लुक एक्सचेंज। और जब हमारा क्लोज भी हो रहा होता था ना सर्दी में, आप सोचिए सबकी लाइफ होती है तो सर्दी में खड़े हुए, एक दफा तो बेंच पे बैठी हुई थी मैंने हिलना शुरू कर दिया, सब कहते कैमरा का सर ठंडी हो गई है नीचे कोई कुशन रख दे अब कुशन, क्योंकि सबकी लाइफ होती थी हम दोनों ना सब लुक एक्सचेंज कर रहे हैं कि भाई बुरा हो रहा है घर में लेकिन हम आपसे रिलेटेड कुछ वजाहत साहब कुछ बताते थे कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, हर चीज डिटेल्स जो उन्होंने आपसे शेयर किया दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं हर जगह जाके उनकी भी तारीफ करती हूँ आपस में भी जब हम बात करते हैं कि सिर्फ लीड पे ध्यान नहीं है उनका, हर किसी पे पूरा पूरा ध्यान होता था। अगर मेरे सीन कराते थे तो वो भी बार बार कराएंगे जब तक ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो विच इज़ वेरी गुड बिकॉज मुझे भी फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करे ना तो एज एन एक्टर आप और इन्वॉल्व, अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इधर ग्लेयर रख लो, इसको थोड़ा टोन डाउन कर लेते हैं, इस तरह बात कर लो, तो वो बहुत इन्वॉल्व रहते थे हर चीज़ में कि तुम ये कैसे करो पूरा फोकस। जब मेरे घर के भी सीन्स थे तो तब भी ही वॉज फुल्ली इन्वॉल्व कि क्या कहाँ से वार्डरोब से लेके हेयर स्टाइल से लेके, घर में मैंने ज्यादातर जूड़े बनाए उसके बाद बाहर निकल के हाँ, तो क्योंकि घर में आप बंदा काम कर रहा होता है देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाल खोल के घूमने का, तो उस चीज पर भी उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी रोटी पका कर आ रही हो तो तुम्हें मस्कारे की और बाल पोनी बनने की कोई जरूरत नहीं है, रोटियाँ घर पे कैसे बनाते हैं, और उन्होंने मेरे कपड़ों तक पे आटे का वो लगाया था क्योंकि हाँ उस चीज का इफेक्ट डालने के लिए। तो आई थिंक ये चीजें समटाइम्स अननोटिस चली जाती हैं ऑन स्क्रीन, बट आई फील द नीड कि मैं इसको मेंशन करूं कि बहुत मेहनत से हर एक कैरेक्टर पे काम किया गया है। नहीं मैं तो जितना सुन रही हूं मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि इतनी एफर्ट लगी थी इतना सबसे सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये कि आजकल डायरेक्टर्स ये करते हैं मास्टर करवाया और फिर सोलो में कहते हैं हम आ रहे हैं जरा एडी को जो होता है। वजाहत सर को मैंने देखा और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स है जो वाकई अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो बैठे रहते थे और हेडफोन्स लगा के बाकायदा हमारी टोन्स चेक करते थे। जो मेरा एक सीन था जिसमें मैं रो रही थी तलहा के साथ और मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हारे तो पर हैं अम्मा काट देंगी हाँ, अपनी मर्जी तुम की भी शादी कर लो, उसके अंदर वजाहत सर ने ना जब मैं दुपट्टा बन गई थी मैंने ऑर्गेंजा का वाइट दुपट्टा अपने तौर पे परी बन के आ गई थी मैं कि विदाउट मेकअप
दुपट्टा चेंज करके आए, शादी में नहीं आई हूँ, पहले ये किया फिर मैं अंदर गई। अब मैं जल्दी से जाके ना, क्योंकि मैं अपने रियल टीयर्स से रो रही थी, वेक्स थी, तो मैं जल्दी जल्दी ना सीन मिजना इधर आए, हेडफोन पहने, आप खुद बता दें आप सेटिस्फाई हैं सीन से। ओके, ये तो बहुत मुश्किल टेस्ट। मैंने कहा नहीं सर, इससे अच्छा हो सकता है। मैंने कहा आप रात तक 40 बार भी करवाएंगे तो मैं बोलूंगी इससे अच्छा हो सकता है, अब एक और वेरिएशन दे सकती हो। तो सर ने कहा आप दोबारा जाके करके आओ, फिर वो बहुत अच्छे से किया। तो वो हर चीज़ पे नज़र रखते थे कि कहाँ हमारा तलफ़ुज़ गलत हो रहा है, क्योंकि हो जाता है जब आप इतना कर रहे होते हो, तो बहुत ज़्यादा नज़रें होती थी उनकी। और ये कितनी अच्छी बात है कि वही हम जैसे हम एक जगह और भी बात कर चुके हैं, लीड रोल्स एंड सपोर्टिंग रोल्स, बट हर रोल इंपॉर्टेंट होता है, बट यू नो वो रोल्स जो हीरो हीरोइन के नहीं है, जो मेन वो हैं, उनके उन पे भी वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसी वजह से हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना जब फोटोशूट के लिए उन्होंने सबको भेजा, अच्छा इत्तेफाक की बात है कि सबको बताया गया कि आप लोगों को कैसे कपड़े लेके आ रहे हैं। मैं उसी कलर का एक कुर्ता लेके गई और मुझे नहीं पता था, जब मैंने देखा मैंने कहा तुम सब एक जैसे कलर के क्यों, सबने रेड कर लिया। तो कहते हैं कि तुम क्या, तुम्हें भी मैसेज आया था? मैंने कहा सर आपने सबसे हल्का मुझे ही लिया, मुझे नहीं भेजा मैसेज, और मैं इत्तेफाक से नया कुर्ता लाल लेके आई हूँ। जब हमारी पिक्चर्स बन रही थी ना, तो अम्मी समय थे, हम सब ये कह रहे थे पिक्चर्स का कुछ नहीं होता, ये ऑफिस में रहती हैं, ये कहीं नहीं लगती। पर जब पोस्टर लगा ना, तो वजाद सर ने पर्सनली भेजा कि देखें मैंने लगाया है। मैंने कहा और वो राइटर एंड डायरेक्टर दोनों को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जितने कैरेक्टर हैं हम लाइक वी आर इंटरेस्टेड कि इतना तो फैसल में क्या होगा, फजीलत को वाकई कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, या इसी तरह होगा निगी का क्या होगा कि वो वाकई वो क्रिकेटर साथ के साथ उसका कुछ, मैंने पूछा था भी निगी से लेकिन कहा कि देखिएगा बिकॉज आई एम क्यूरियस कि कोई रोमांस का एंगल निकल आएगा या नहीं। फिर नुदरत की तो पता नहीं उनको शौकत साहब कुछ सीधे होंगे या नहीं होंगे, या वो बेचारी एंड तक ही करती रहेंगी। बट दो तीन इश्यूज जो बहुत इंटरेस्टिंग मैं अभी रिव्यू लिख रही थी और मैं यही लिख रही थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है ये सास बहू की कहानी है, लेकिन अगर आप डीप डाउन देखें तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट रियलिटी ऑफ आर सोसाइटी विच इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। हर कैरेक्टर से आप रिलेट, हर कैरेक्टर से, यू नो। और मैं बताऊँ राबिया, आपने कहा एग्जैजरेटेड है, वो एग्जैजरेटेड लग रहा है क्यों? क्योंकि पंजाबी फैमिलीज मोस्टली जो देसी मिडिल क्लास होती हैं ऐसी ही होती हैं, दे आर लाउड, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, हल्ला गुल्ला फुल एक्सटेंट पे चल रहा होता है, खालाएँ आ जाती हैं शादियों के दिनों में, कुछ ना रूठ रहा है, कोई मना रहे हैं, ऐसा होता है। उसके साथ जो कंट्रास्ट दिखाया ना इकरा की फैमिली का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए हमारी फैमिली एग्जैजरेटेड लगती है। बट अगर सिर्फ दोनों पंजाबी फैमिलीज होती तो वो ब्लेंड आउट हो जाता। बट यही पूरा पॉइंट था होल ड्रामे का कि कंट्रास्ट दिखाएं कि इकरा की फैमिली कितनी डिसेंट एलिगेंट क्लासी है और हम लोग कितने मज़े के हैं। शुरू में मुझे रज़िया सुल्ताना की कैरेक्टर से होता था ये इतनी लाउड क्यों है, लाउड क्यों, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट लाउडनेस आई डू फील एक दो नॉच नीचे हो सकता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा नोटिस करें कि उनकी क्या नेगेटिव बातें हैं, क्या वो एज अ मदर गलत चीज़ें कर रही हैं और प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। यू नो आई एम सेइंग कि सोसाइटी, एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, फिर अकलौता बेटा, उसके ऊपर क्या मसले मसाइल, और जो ब्रेड अर्नर अकलौता हो, एक ही कमाओ पूत जिसे कहते हैं वो, तो बहनें भी और माँ भी सब उसी पे डिपेंड कर रही हैं। फिर देन बहनों में भी हर किसी का जो अपना इशू चल रहा है, और फिर रज़िया का क्या बैकग्राउंड है, वो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालती हैं, उनके साथ क्या रहा होगा जब वो शादी होके आई होंगी, वो बता भी तो रही हैं कि मेरे मियां तो ऐसे करते, वो तो कैसे जा रही है, मुझे तो कभी, मैं पता नहीं कब गई थी, मुझे तो पूछा नहीं था ना, तो इसका मतलब जो कुछ उसके साथ नहीं हुआ अब वो चाहती है उनकी बहू के साथ भी ना ऐसा होता है। वैसे आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है कुछ टॉक्सिक नहीं बहुत मैं वही कह रही हूँ, मुझे बहुत लगता है कि इट्स अ वेरी एप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सोसाइटी में होता है। और एक सबसे नॉर्मल बात जो मैंने भी बहुत सुनी है कि ओहो क्या हो गया, अगर बेबी हो गया तो ठीक है, हम तो उठते ही खाना बनाना शुरू हो गया, तो हम तो घर के काम करना शुरू। आजकल की लड़कियां मतलब वक्त बदल गया, दौर बदल गया, खाना पीना बदल गया, बिल्कुल ऐसे, तो आपका दिमाग भी बदल जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फजीलत के कैरेक्टर शादी से रिलेटेड के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और सब कुछ, मुझे लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमने इंटरव्यू में भी बात की थी लेकिन यहाँ पे भी दोबारा आई वॉन्ट टू टच बेस ऑन इट, कि यूजली वो लेते हैं कि अच्छा नहीं शादी हुई ठीक है भाई, घर वाले ख्याल तो रख रहे हैं, बाहर तो नहीं है, खाना मिल रहा है, लेकिन हम इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि एट द एंड आपको कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इश्यूज होते हैं, कि आप अपने लिए एक बुरा इंसान टॉक्सिक बन जाते हैं, आप आसपास के फैमिली मेंबर्स के लिए एक अजाब बन जाते हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन राबिया, लाइक आप दोनों से, कि जो ये सिचुएशन है फजीलत वाली, सो व्हाट डू यू थिंक, अगर लोग फजीलत को ना ताने मारें तो क्या फजीलत बाय हर सेल्फ भी इतना ही लो फील करेगी अबाउट द होल सिचुएशन की शादी नहीं हुई, या फिर शी इज लाइक चलो ठीक है एक सिर्फ शादी नहीं हुई ना, आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ अपने मां-बाप की खिदमत
कर लूंगी, या कुछ पॉजिटिव अप्रोच हो सकती है, या सिर्फ लोगों का ही इन्फ्लुएंस करके इंसान को इतना पागल कर देता है? अच्छा, ऐसा तब होता है कि या तो आप अपनी अम्मी के क्लोज हों और वो आपके साथ पॉजिटिव हों और वो इन चीज़ों को लेकर बताएं। कुछ माएँ मैंने देखी हैं घर में ऐसी होती हैं जो गैर शादीशुदा अगर आपकी नंद है तो उसकी इस हद तक साइड लेती हैं कि उनको लगता है दुनिया में इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। अब फजीलत को ऐसे दिखाया कि ना उसकी कोई फ्रेंड है, ना उसका कोई सोशल सर्कल है, ना वो कोई मोबाइल यूज करती है, ना वो टीवी देखती है, कुछ ठीक है, ना उसे कोई घरेलू दस्तकारी करते दिखाया, अलावा कुशन वगैरह पे वो कवर लगा टीवी में भी वो अलाउड नहीं है हमें ड्रामे देखना, हम सिर्फ क्रिकेट मैच देख सकते हैं, न्यूज़ लड़के देख रहे हैं। तो जब इतना घुटा हुआ माहौल होता है तो सर ने सिर्फ ये दिखाया था कि वो डाइजेस्ट पढ़ती है, तो उसके अलावा उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर वो फ्रेंड से मिले तो कहते हैं ना आप किसी दूसरे से मिलते हैं तो फिर आपके थोड़े नजरियात बदलते हैं, चीजें बदलती हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, वो कुछ कर ही नहीं रही है तो इसलिए वो ट्रॉमा में। और फिर वो मेडिसिन भी लेती है तो जाहिर है उसकी वजह से सुस्त है थोड़ी। रेवा, मुझे लगता है आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया है। दो चीज़ें मुझे लगता है, एक तो ये कि ऑफकोर्स सोसाइटी के जो लोग और उसके आसपास की इतनी बहनें भी जो बोल रही हैं वो मुसलसल उसको सिचुएशन को रिमाइंड कराती हैं, रिमाइंड कराती हैं, अगर लगाती थप्पड़ तो पता नहीं, मतलब उसकी सिचुएशन को उसका जुर्म बना दिया है। तो मुझे लगता है एक वो फैक्टर प्ले करता है, लेकिन उसी फैक्टर को आप एक स्टेप और डीप लेके जाएं तो वो इनबिल्ट है हमारी सोसाइटी में। सो आवर सोसाइटी इज नॉट बिल्ट अप फॉर सिंगल पीपल, आई फील, यू नो। तो इफ यू गो, अगर आप कहीं जाते हैं यू डू फील लेफ्ट आउट, बिकॉज हर कोई अपनी फैमिली के साथ कर रहा है, कोई वेकेशन पे भी जा रहा है तो अपनी, अब चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं जहाँ पे आप सुनते हैं गर्ल्स ट्रिप, लड़कियां दोस्तों के साथ जा रही हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि फजीलत को ये एग्जैजरेटेड या ज्यादा उसकी इनसिक्योरिटीज या उसको हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल से, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, जब यार लड़की पैदा होती है तो शादी की बात स्टार्ट होती है, ख्वाब क्या दिखाए जाते हैं कि शादी का ड्रेस कैसा होगा, शादी होगी कैसे। ऑल्सो सबसे बुरी बात मुझे लगती है, आई डोंट नो इफ इट्स इररिलेवेंट और क्या, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे कल्चर के अंदर कि अगर लेट्स से नोज पियर्सिंग करवानी है शादी के बाद करवाना, मैं यही कहने वाली, साड़ी पहननी है शादी के बाद कराना, अच्छा बाहर घूमने जाना है अपने शोहर के साथ जाना, अरे तो शादी से पहले क्या कुछ नहीं कर सकते? Exactly. तो फिर जब अगर फजीलत को भी ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ ग्रो किया है, और वैसी और बहुत सी लड़कियों को, तो दे विल फील ना, फिर आप बिल्ट इन नहीं है कि आप अकेले जिंदगी गुजार सके, फिर आपको एक हमारी सोसाइटी ने हमें इस तरह औरतों को वो किया, जो कि एक है सोसाइटी इस्लाम रिलीजन सब करता है, लेकिन पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन कुछ नहीं नहीं, अब जिसकी नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही तो नहीं कर सकते, तो उनकी जिंदगी तो ऐसा ना बनाएं कि वो मसला। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आप शादी कब कर रही हैं। या और ये कि शादी के बाद कर लेना, हाँ शादी के बाद करना, प्लीज स्टॉप सेइंग दैट। बट इंटरेस्टिंग वो है, मेंटल हेल्थ दिखाया, आगे जाके हैंडल करेंगे मुझे लगता है सिचुएशन को, तो दैट्स अ वेरी, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द ड्रामा, क्योंकि यूजली हम हाथ लगा के छोड़ देते हैं, हम नहीं करते। अच्छा भाई, मुराद वाकई फंसा हुआ है, आप दोनों की क्या टेक है, या मुराद इज अ वीक लिंक, या मुराद के इश्यूज जेन्युइन है, या मुराद में हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, ये बहुत डिबेट चल रही है ना। कल के एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि ठीक है वो पर मन्नत से लड़कर आया, बट ही शुडंट हैव गॉन टू हिज मदर लाइक अ बेबी, एंड वहां पे वो थोड़ा सा weak as a man लगा मुझे, he could have gone out or called Athar or went out or something like that, then thought take your time, go back to your room and sleep, but the whole situation जो create हुआ वो मुझे weak as a man लगा, but I feel like वो औरतों में ही रहा है, पला बड़ा, बहने माएँ, उनके आगे कुछ देखा ही नहीं, like constantly निगी कहती है कि वो अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए, उसको नज़ला बुखार हो गया, बच्ची को लेके गए, अभी फजीलता भी तबीयत खराब है वहाँ गए, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा है बहनों से, हाँ है, उसकी जिंदगी बहनों के हाँ, क्योंकि वो ऑल हिज लाइफ वो यही करते हुए आए ना, तो क्या करे। बट और इस सिचुएशन में एक मर्द का एकदम से उठ के बिल्कुल ही अपोज कर जाना भी मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। आप मुराद की साइड पे मुराद ने से वही किया जो लिखा हुआ था, हाँ वो तो ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स, और जो डायरेक्टर ने कहा है। और दूसरी टेक मेरी ये है कि मुराद को अच्छा है, पहले अपने आप को सेव कर लो ताकि कुछ बोले और फिर दूसरी टेक, आई वांट टू हियर योर दूसरी टेक। दूसरी टेक ये है कि उसको हमेशा से ये दिखाया कि कोई मसला होता है बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं, जितना उसको पैम्पर्ड दिखाया है ना, और जिस तरह से मतलब कि वो वाला घर है जहाँ पे लड़कियों को जो है वो कहा जाता है कि तुम गर्दन वाली बोटी ले लो या तुम्हें बोटी ना मिले तो ठीक है, लेकिन भाई के लिए जो है वो लेग पीस होना चाहिए, ठीक है। जैसे अम्मी कहती हैं कि नहीं दाल ही बनेगी अगर बनेगी, और मैं भी चढ़ के कहती हूँ मेन्यू तो एक ही है, पूछने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो हमेशा से अपनी हर प्रॉब्लम लेके अपनी माँ के पास गए, तो मे बी वो सुकून के लिए, उस कंफर्ट के लिए वहां गया, फिर उसे इस बात का एहसास है कि मैं इतने दिन घर से दूर रहा तो मैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए अपनी माँ के पास चला। बट जनरली जो उसका एटीट्यूड है आपको क्या लगता है?
मुराद को हम जस्टिफाई कर सकते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से. इफ यू आस्क मी, रहमा बन के बोलूं तो ही लुक्स लाइक अ वीक मैन, बट अगेन जस्ट लाइक शी सेड कि ही इज डूइंग व्हाटएवर इज रिटन. तो क्या कर सकते हैं आप, क्या आपको क्या लगता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से? मुझे लगता है थोड़ा हो सकता था, क्योंकि जब जो इकरा है मन्नत वो दिखा रही है, जब इतना मतलब अपनी पार दिखा रही है, जवाब देना शुरू करती है, जब वो कहती है कि मुझे चाय बनानी है और अम्मी कहती है कि घर पे मियां नहीं है तो हमें चाय चाहिए, तो वो जवाब देती है. लेकिन मुझे हाँ वो सीन थोड़ा लगा कि इकरा से मिलके फिर अम्मी के पास चला जाता जब वो मतलब देख तो लेता उसको, गले लगाता देख तो लेता. और उसने इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए थे इकरा ने वहां पे कि उसकी जो शक्ल गिरती है ना, तो आई कुड फील हर पेन बिकॉज ही जस्ट वॉक्स बाय हर लाइक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वहां पे. मुझे फील हुआ लेकिन देखिए सना उसको बार बार जाके, जो सबसे छोटी बहन है वो जाके नेगी बार बार समझाती है कि ऐसा नहीं है मुराद भाई, है तो अच्छा ना. लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं जब घर वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डर के अंदर है अपनी माँ के, कि मैं पहले अगर बीवी को गले लगाता हुआ भी चला गया तो माँ का शुरू हो जाएगा आधे घंटे का. और देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको माए ना बचपन से ये चीज उनके अंदर एक तरह से ड्रिल कर दी जाती है कि इसकी शादी होगी तो तुम्हारी बारी आएगी. मेरे अपने करीब के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई है, मतलब 40 क्रॉस कर लिया है, और वो शादी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी बहनों की शादी नहीं हुई है, बहनें उनसे छोटी हैं और उनको पता भी है कि इनसे शादी अब कोई नहीं करने वाला है ड्यू टू सम रीजन कि आपकी हो सकती है, पर वो अपनी शादी इसलिए नहीं करे क्योंकि उनको पता है जिसको हम लेके आएंगे उसके साथ भी ज्यादती होगी. तो मुराद उस तरह के लोगों में से, और होते हैं ऐसे लोग जिन्होंने. आप दोनों को लगता है हम लोग अक्सर एज वुमेन एज सिस्टर्स हम लोग या माएँ या फिर यू नो भाभियाँ कजन्स दोस्त सब कुछ जिस भी औरत की कैपेसिटी में जो भी रोल है, हम मर्दों को रियलाइज़ नहीं करते कि मर्दों पे क्या प्रेशर है. और हम बस एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं दे मस्ट डू द राइट थिंग, क्योंकि मैन आर सपोज टू बी ब्रेव, मैन आर सपोज टू बी यू नो स्ट्रॉन्ग एंड दे आर सपोज टू टेक अ डिसीजन. हम कोई भी मुराद जैसा बंदा हमें नज़र आता है जो हमारे हिसाब से वो वीक तरीके से कर रहा है, बट वो थोड़ा सा उसको डिप्लोमेटिकली या थोड़ा सा इतनी स्ट्रांगली नहीं रिएक्ट करके उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, तो हम कहते हैं ये तो इसमें तो हिम्मत ही नहीं है, ये तो देखो क्या ये तो चीज़ को सिचुएशन को फेस ही नहीं करा. तो आप लोगों को लगता है हम लोग भी पार्ट हैं या हम मर्दों के प्रेशर्स को रियलाइज़ नहीं करते हैं एंड क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा? मुझे ऐसा लगता है जो जैसा है वो उस नज़र से हर चीज़ को देखता है, और कुछ लोग शायद कह रहे होंगे कि मुराद ठीक कर रहा है, या कुछ लोग शायद इरसा जी को भी कह रहे होंगे कि भाई हाँ ये तो होता है, नेचुरल है, माँ अपने बेटे को नहीं शेयर कर पाती. यू नेवर नो कौन किस नज़र से देख रहा होता है. बट हाँ हमने एक ये बनाया हुआ पर्सपेक्टिव कि मर्द है तो ही शुड टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ. मैं तो औरतों के लिए भी कहती हूँ कि दे शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स. तो लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली मर्दों की बात करूँ सोसाइटी में, आपको लगता है हम मर्दों पर अनड्यू प्रेशर डालते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को, और ये भी करना चेंज होना ज़रूरी? मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मर्दों से, और शायद हमारा उतना उन इनपुट नहीं हो पाता. तो आई थिंक अब आजकल तो ज़माना ही बदल गया है. आई थिंक हमें उनके सिर्फ फाइनेंसेस ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, मर्दों की भी मेंटल हेल्थ और इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिस तरह हमारे होते हैं, क्योंकि हम तो रोज आते हैं, हम अटेंशन ले लेते हैं उस तरीके से. शायद मर्द उस जगह पर थोड़ा सा लैक कर जाते हैं जिसको हमें इंपॉर्टेंस देनी तो चाहिए. बिल्कुल आप क्या कहेंगे? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो खुद 50-50% हम दोनों का चल रहा होता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से ताबुन करके चल रहे हैं, तो मैं उसकी हर चीज़ को समझती हूँ, मेरी हर बात को समझता है. लेकिन वैसे मैंने उमूमन देखा है कि ज़्यादातर ये होता है जिन मर्दों पे ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि अब इसकी शादी, अब ये पैसे देना, अब ये करना, वो कर, तो कभी उनसे नहीं पूछा जाता है कि उनके पास भी वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, या वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं. अगर एक चीज़ जो हमारे बहुत बुरी जाती है, स्मोकिंग करते हैं, ये करते हैं, दोस्तों में जाके बैठ जाते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि उनको घर में सुकून नहीं मिल रहा, तो दे वॉन्ट टू लाइक वो उसको वेंट आउट करना चाहते हैं बाहर जाके. तो इन चीज़ों को ना कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर महके में कोई शादी है तो उसका प्रेशर एक अलग होता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. उस तरह से पार्टिसिपेट ससुराल की शादी में नहीं किया जाता जो कि आप कर सकते हैं. तो अगर ये वाले सारे बोझ हों, दूसरा बहुत बड़ी बात है, औरत कितना भी कमा ले कुछ भी, आप औरत के, मुझे लगता है शायद थोड़ी इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आप कुछ भी कर लें दुनिया में, कितनी मार्च कर लें, जो मर्द का रुतबा अल्लाह मियां ने रखा है और उसकी कमाई में बरकत रखी है, उसका नेमुल बदल दुनिया में कुछ भी नहीं है. मजबूरी की बात अलग है, लेकिन ऐसे ही होता था पहले कि एक घर में अब्बा कमा रहे हैं और 8 लोग बैठ के खा रहे हैं, उसमें चाचा चाची भी है, नाना नानी भी है, दादा दादी भी हैं, सब है. लेकिन अब ये होने लगा कि भाई एक जाहिर है महंगाई है, मसले हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी जो एक मेरा हस्बैंड मुझे 1000 रुपये का नोट देता है ना, उसमें बहुत बरकत होती है. और हम कितना भी कमा लें लेकिन एट दी एंड हमें यही होता है यार पैसे दे दो बाहर जा. तो आप इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनकी भी, हम तो चलें मोबाइल पे
किसी को कॉल कर ली, अम्मी से रोने रो लिए, बहनों को बता दिया, दोस्त को बता दिया, मर्द अपने मसले जाके नहीं बताता किसी को भी। ऑल्सो पता है पॉइंट क्या है, अगर मिजना जी कमा रही हैं, उनके हस्बैंड कमा रहे हैं, उनसे कोई ये नहीं आके डिमांड करेगा कि तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली। शी उनके पास अपनी चॉइस है कि करें ना करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर मर्द की है ना, ये वाली बात है। ऑल्सो मैं उस दिन मामा से ये कह रही थी कि जैसे मैं अगर मेरा 6 days a week का काम है तो फॉर संडे मेरा प्लान है सिर्फ मैं सोऊंगी या मैं रेस्ट करूंगी, मैं खानदान में नहीं जाऊंगी, मैं कहीं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी, मैं कुछ। मम्मा ने मुझे बोला मॉल चले थे, मैंने कहा मम्मा संडे एक मिला है, मंडे से फिर काम है, मैं नहीं जाऊँ। तो उस वक्त मैंने मुझसे बोला मम्मा देखिए, अगर जिनकी बीवियाँ 6 हफ्ते बैठ के बच्चों के साथ अपने शोहर का इंतजार कर रही हैं कि एक संडे मिलेगा तो हम बाहर जाएंगे, तो बड़ी बात है कि अगर मतलब ले जाते हैं तो, क्योंकि आप सही कह रही हैं, मैंने नहीं सोचा था ऐसे। हाँ, क्योंकि सेम चीज हो गई ना, इफ आई एम वर्किंग 6 days a week सो आई वांट टू स्लीप ऑन संडे, बट मर्दों के पास ग्रोसरी भी करना है, मैके भी लेके जाना है बीवी को, बच्चों का भी कोई होगा कि मुझे थीम पार्क लेके जाए, सिर्फ उनका संडे कहाँ गया तो पता ही नहीं चला। बोलो ना संडे को नहीं, फिर देखता क्या संडे को क्या कोई ना लेके जाए, क्या ताने सुनने को मिलेंगे कि एक संडे उसे भी सो रहे हो तो। ये हम भाइयों को भी बोलते हैं, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स हैं शायद वो बिल्कुल बहुत मेहनत करती हैं और घर के काम भी इक्वली मेहनत वाला है, बहुत उनकी भी तारीफ के काबिल है और इम्पोर्टेंस है, बट बहुत फिजिकली टायरिंग होता है बाहर काम करना। मी एज एन एक्टर जैसे हम जाते हैं वहाँ काम करते हैं, अब दिन में अगर हम रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं, तो हम मेंटली भी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एफर्ट, फिर हमारे आउटडोर शूट है। सिमिलरली मर्दों का बाहर काम है, औरतों का भी बाहर काम है जिनका है, तो हाउस वाइफ्स जो अगर हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन फिर वो भी क्या करें अगर पूरा वीक अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हैं, तो ये एक बड़ी मसला है। डिबेट है, आई नो एकदम से चीजें चेंज नहीं हो सकती, बट एक आई थिंक हम लोग सोच डाल सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं बीच में आके रुक सकते हैं। Also you can do something else, मतलब घर पे कुछ ऑर्डर कर लें, मूवी देख लें, spend some time with your family। ये वैसे टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छा है, of course, इस पे भी एक अलहदा से डिस्कशन होनी चाहिए। Call me for that। I will। अच्छा मुझे बताइए भाई, शादी में ट्रस्ट और इनसिक्योरिटीज लव मैरिज है, इतरत एंड फैसल। अच्छा मैं वो बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगा कि पहले तो आई वॉज जस्ट यू नो शेकिंग माई हेड, उस थॉट को हटा रही थी कि नहीं नहीं नहीं, बट एक तो परफ्यूम वाली बात से इतरत वो हुई कि अच्छा परफ्यूम लगाने से मतलब फिर ये चीज जैसे ना कुछ है, क्योंकि इतरत के दिमाग में नुदरत भी तो बहुत चीजें डालती है। हाँ तो नुदरत नहीं तो मुझे बोला था तुम सर झाड़ मुंह पहाड़ बैठी है उसकी मैडम को देखो कैसे, तुम तो आटा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, तो उसके बाद से मुझे वो हुआ। फिर मैंने परफ्यूम वाला ताना भी मारा, तो फैसल सामने से कहते हैं तुम्हें अपनी अम्मी की तरह परफ्यूम फोबिया तो नहीं हो गया, तो एक आई थिंक वो एक पूरा बिल्डअप है इतरत का, बिकॉज इतरत एज हरसेल्फ इस तरह की मुझे लगता है नहीं, क्योंकि लव मैरिज की है बार बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर वो बीवी वाला डर भी तो होता है ना कि शौहर हाथ से ना निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। मुझे बताएं अगर आप इतरत की सिचुएशन को देख रही हैं, मैं अभी ना क्योंकि रिव्यू लिखते हुए मैं यही सोची थी सवाल कि क्या इतरत को ट्रस्ट करना चाहिए फैसल को और बेफिक्र होकर जाना चाहिए, लेकिन उसकी सिक्स सेंस उसको कुछ कह रही है और उसको बॉस से पता भी चल रहा है कि कुछ दाल में काला है, तो she should be careful and do something, क्या करना चाहिए? सारा लगेज लेके उसके साथ चले जाना चाहिए। मैं भी यही बात सोच रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं जा रही है। जैसे होती है ना ख्वातीन, वो कहती है अच्छा आप ट्रिप पे जा रहे हैं, हम भी चलते हैं हफ्ते के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन बच्ची भी छोटी है स्कूल नहीं जाती आराम से जा सकती है, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत सी औरतों को आती होगी, ये बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन है। ये जो आप पूछ रहे हैं परफ्यूम वाला और ये चीजें, ये अम्मी से मिला है, कुछ चीजें आपको जीन्स से भी ट्रांसफर होती है, तो ये अम्मी से मिला आपका। बट अगर हम जनरली बात करें तो व्हाट वुड यू से कि जब ख्वातीन को ऐसा लगे कि हाँ यार ये मुझे लगता है ये जाए यहाँ पे इस डायरेक्शन में मियाँ गया तो मसला कुछ हो सकता है, नॉट दैट शी डजंट ट्रस्ट हर हस्बैंड यू नो, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, कुछ हो सकता है, तो उसको वहीं पे कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर अल्लाह का नाम लेके ट्रस्ट करना चाहिए घर के अंदर, बच्चों के अंदर, चीजों के अंदर, तब भी ना माने तो हर जगह लग के साथ चली जाए, वो बोले मैं इस काम से जा रहा हूँ, वो मुझे भी सामने से दूध दे रहा है, मैं इस काम से जा रहा हूँ मुझे भी डायपर लेना है, वहां सामने से चलते कपड़े लेने जा रहा हूँ मुझे खुद लेना है, मेरी बात सीरियसली बता रही हूँ भाई, ऐसे ही होना चाहिए ना और क्या। या तो देखे मैं पता है आपको सही बात बताऊँ, अल्लाह मियां ने ना कुछ चीज़ों के लिए आपको मतलब पर्दे की बात की गई है कि वो चीज़ें हैं, अगर वो सब खुल के सबकी राबिया सामने आ गई ना तो शायद हम एक दूसरे का चेहरा भी देखना बंद कर, सच्ची बात है, कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ना कुछ पेजेस हैं जो मैंने लाइक किए हुए हैं या जिन कुछ ग्रुप्स का मैं हिस्सा हूँ, वहाँ पे मैं औरतों की ना कहानियाँ पढ़ रही होती हूँ, उनकी तकलीफ पढ़ रही होती हूँ कि अच्छा ये फिर उनको दूसरी औरतें मशवरे दे रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही अलग आती है ना कीबोर्ड फाइटर, वो कहती तुम्हारे साथ मकफाते अमल हो रहा, तुमने कुछ किया होगा, समझ रही हैं। तो आप उस चीज़ को जितना ढूंढेंगे ना कि मैंने अपने मियाँ के मोबाइल में ये देखा, फिर जैसे ही वो गया तो मैंने दोबारा देखा, आपने एक चीज़ देख ली, आप उनसे बात कर लें बैठ के कि भाई मैंने ऐसे देखा, आप क्या करना है,
नहीं बट ऑल्सो आई फील लाइक इफ यू ट्रस्ट योर हस्बैंड, इफ यू ट्रस्ट योर पार्टनर, अगर ट्रस्ट है और ट्रांसपेरेंसी है, यू नो कि हम लोग सेम पेज पर हैं और मैं खुल के सारी बात कर सकती हूँ, वो मुझसे खुल के सारी बात कर सकता है, तो फिर किसी को भी, दोनों में से किसी को भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन आके क्या बात कर दे और फिर आपके दिल में वो हो जाए कि अच्छा ये तो एंगल मैंने सोचा नहीं, फिर आप कुछ ऐसी टॉक्सिक चीजें करें जो इतरत करिए, बिकॉज फैसल अभी क्लियर है तो मैं कान की कच्ची बनी उसको कराए और फिर मैं टॉक्सिक वाइफ बन रही हूँ अभी फैसल के लिए, जिसकी वजह से उसने चिड़के डिसीजन लिया कि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तुम तो देखती रहो, तुम समझ ही, क्योंकि मुसलसल ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी कि ऐसा नहीं है, हमने मोहब्बत की शादी की है, व्हाई डू यू थिंक आ रहा है, हंसा रहा है, चाय बना के दे रहा है, और एक मर्द क्या करे फिर? तो आई थिंक आप फिर अगर एक अच्छा रिलेशनशिप है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैके ससुराल वालों को भी नहीं आप इंक्लूड करें. अकलौता बेटा, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए उस वाले घर में लड़की दे देनी चाहिए जहां पे अकलौता बेटा मुराद जैसा और चार बहनें हो. मम्मा मुझसे कह रही थी एपिसोड देख के कि अब इस ड्रामे के बाद ना कोई ज्यादा नंदो वाले घर में अपने बेटी नहीं देगा, बिकॉज मुश्किल हो जाता है. हाँ, लेकिन करनी तो चाहिए, इकलौता बेटा हो या जितने भी हो, तो बहनें क्यों नहीं, ये जो नंदी है ये मन्नत को क्यों नहीं सपोर्ट करी? ईच वन ऑफ देम इज गोइंग समथिंग एज अ वुमन, ठीक है, इज गोइंग थ्रू समथिंग एज अ औरत ही, उनके कोई ना कोई. अच्छा, मैंने तो किया है क्योंकि मैं अम्मी के आगे खड़ी हो जाती हूँ और मैं मुराद से कहती हूँ जाओ मन्नत के पास. नहीं, और मैंने अम्मी को बहुत बार ये बात कही है कि आप उसके, आपके रोकने से वो रुकेगा नहीं अगर वो जा रहे तो. कल निकी ने भी ट्राई की थी, जाए आप पोहा धो लें कमरे में जाए, तो उन्हें खींच के बिठा लिया था, तो बुरा लग रहा है माँ के पास बैठा हुआ अपना बेटा, तो वो इशारे में उन्होंने कहा था अब आप जाए पोहा धो लें. लेकिन इससे ज्यादा भी तो कर सकती ना बहने उसकी तरफ, मन्नत की तरफ, जब खुद औरतें हैं, खुद रियलाइज करनी है, तो वो थोड़ा सा दिखाना चाहिए था या आगे जाके होगा या कुछ नहीं करना चाहिए था एक्चुअली. नॉर्मल अमूमन घरों में तो हम अपनी अम्मी से अबू से बात कर लेते हैं, जैसा फीलिंग है, हमने कुछ काउंटर भी बात करनी है तो हम कर लेते हैं, लेकिन इधर ऐसा दिखाया कि अम्मी के आगे किसी की चूं करने की वो नहीं, और अम्मी फौरन बीमार और ये और वो, ऐसी माएँ होती है ना तो लोग डरते हैं कि खुदा ना खास दिल का दौरा पड़ गया, अम्मी निकल गई तो फिर क्या होगा. मैं इस ड्रामे की फैमिली की बात कर रही हूँ कि मतलब जिस तरह का सीन है, हाँ, कि मुराद ने कुछ कहा और अम्मी को पड़ा दिल का दौरा और वो तो सारी जिंदगी गिल्ट में रहेगा. मैं तो ये कही थी क्या मुराद वाकई रिस्क ले सकता है कि अम्मा बोल रही है मैं खुदकुशी कर लूंगी, ना सुने और उन्होंने वाकई ली, तो हाउ डू यू लिव विद दैट रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अच्छा, बट अगर मुराद नहीं होता तो डू यू थिंक कि चार बहनों में से कोई एक उनकी फेवरेट होती और इसी तरह से उनका उनकी फेवरेट है अभी भी? वो उनकी आंखों का तारा है. मुराद बेचारा तो थोड़ा उनको पोजेसिवनेस और कंट्रोल चाहिए, शौहर को खाना पीना सब कुछ के भाई वो आ गया, कल कहता है चाय के साथ कुछ दिया नहीं, मेहमान हो जो आए हो तो तो वो तो फेवरेट है. हाँ, अम्मा की. बट अम्मा पता नहीं, मैं एक और सवाल पूछ रही. अच्छा हाँ, मुझे लगता है जो सिस्टर्स वाला जो मुझे एंगल नज़र आता है वो एक और इम्पॉर्टेंट हमारी सैड रियलिटी हमारी सोसाइटी की, कि औरतें ही औरतों को सपोर्ट नहीं करती हैं, जो कि चेंज होना चाहिए, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे वो घरों में हो. वो साफ नजर आता है कि औरत ही औरत की दुश्मन बनी होती है, जो औरत में कंपटीशन और जेलसी का जो रेशियो है ना वो ज्यादा है. वैसे भी आप कहीं पर भी देखें, कल मैं जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं हम दोनों जा रहे थे, हमने बहुत सारी जगहों पे देखे इतने सारे गार्ड्स बैठे हुए घरों के बाहर ना, और सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन है और सब उसी के अंदर कुछ बैठ के देख रहे हैं. तो मैं कहा देखो कितनी मोहब्बत से चारों बाजू बैठ के देख रहे हैं, इसकी जगह औरतें. और वाकई में मैंने खुद भी बहुत फेस किया इस चीज़ को लेके, कि अगर मैंने लिपस्टिक लगा ली तो ये ना लगाए, मैंने हेयर स्टाइल बना लिया तो ये ना बनाए. नुमान तो खुद विटनेस है इन सारी चीज़ों का. तो ये होता है, हमेशा कॉम्पिटिशन होता है. बल्कि अब तो मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि मेरी उम्र की है उसको मेरी बेटी क्यों बना दिया. मतलब डायरेक्टर ने कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, अगर आप 8 साल पहले मेरी अम्मी बनी थी तो आपकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, तो मैं अभी आपकी बेटी बन सकती हूँ. लेकिन उनको लगता है कि नहीं अब ये हो गई है ऐसी, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है. तो होता है. और फिर दूसरा एक हमारे यहाँ एक आम सा जुमला है, जब आप किसी से मिलेंगे ना, आपको फर्स्ट डे होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेट पर जा रहे हैं ये वो, तो सबसे पहली बात होगी इतना गेन कर लिया तुमने, क्या बात है, टीवी में नहीं आना अब, हाँ दूसरे का इरादा कर रही हो, घर बैठ जाओगी. औरत ही बात कर रही है, ये मर्द को कोई मसला नहीं है. आप 100 किलो के भी होके काम कर रहे हैं ना, मर्द को कोई मसला नहीं है. तो मैं उनसे कहती हूँ देखो इस हालत में भी मुझे काम मिल रहा है ना और हम इतने ही आ रहे हैं, नहीं और इस तरह की बात तो मुझे जरूरत नहीं है. मतलब अगर मैं सुबह अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ पराठा खा रही होंगी ना, तो लोगों को उसमें तुम आ रहा है पूरा खाओगी, अरे भाई तुम खा लो पूरा खाओगी, थोड़ी लेके खरीदा है मैंने. तो ये बहुत मसले, और मर्द को परवाह भी नहीं होगी, मर्द से बोलेंगे भाई आप ले रहे हैं आप बाइट लेंगे,
सिर्फ मैं इस फील्ड की बात नहीं कर रही, उसके अलावा भी हर जगह मसला है, हर बात पे मसला है कि औरत को औरत के साथ बहुत मसला है कि उसको जो है वो ज़्यादा फेवर दे दिया. जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे होता था, मिजना के पास सारे पासवर्ड है, मिजना के पास एक्सेस है. उसका रीज़न ये था कि मैं फेवरेट नहीं थी, मैं 8:30 बजे जाके सब कुछ ऑन करके पासवर्ड डाल काम करती थी, काम करती थी और बाकी सब आते थे 10 बजे 9 बजे 9:30 बजे. तो लोगों को लगता था मैं फेवरेट हूँ इसलिए मेरे पास पासवर्ड है. व्हेन वी वर शूटिंग फॉर मन्नत मुराद की बारात, तो समवन, आई डोंट वांट टू नेम, समवन सेड, मैं बता दूंगी नहीं यार प्लीज. तो बाद में कान में आ रहा था. तो समवन सेड के तुमने ये कैरेक्टर क्यों किया, इसमें तुम्हारी एक वो 1-1.5 साल की बच्ची दिखाई है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, यू आर सो यंग, तुम तो हीरोइन भी बन सकती हो. मैंने कहा तो मैं बन जाऊंगी जब मैंने बनना होगा, आई एम एन एक्टर एंड अगर मेरा ये माइंडसेट है तो मुझे उस माइंडसेट से चलने दो कि आई एम एन एक्टर. अब थिएटर वाले सब करे होते हैं, मतलब हमारी एज की बच्चियां बाल सफेद करके बूढ़ी भी बनके कुछ भी कैरेक्टर प्ले कर लेंगी. तो मैंने कहा आई एम एन एक्टर और मुझे जो कहा जाएगा, मैं मुझे तुम्हारी अम्मी बना दिया जाएगा ना, मैं तुम्हारी दादी बनके भी तुम्हें वो डायलॉग डिलीवरी करके दिखा सकती हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टर. तो एक जो ये माइंड सेट है ना कि तुम यंग हो, तुम शुरू में, अगेन आई डोंट वॉन्ट टू नेम दैट एक्टर, वी यूज टू बी रियली गुड फ्रेंड्स. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं कौन, हम दोनों को पता है कौन है. सो व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था तो उस पर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार देखो कि इस तरह का मिला है, व्हाट डू यू थिंक, इतने इतने मैंने पैसे भी शेयर किए, दे रहे हैं ये वो. शी सेड वेरी गुड, तुम कर लो, पॉजिटिव है तो कर लो, कभी नेगेटिव मत करना, कभी नेगेटिव मत. और ये वो लोग होते हैं जो पीछे से डायल करके कहते हैं रहमा नहीं कर रही, उसका इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे बुला रहे हैं, हैं ऐसे भी लोग होते हैं. और हमने बचपन से वही सुने कि बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, आपको भी पता होगा टिपिकल गाने जो हम गाते. तो नहीं तुम्हें टप्पे नहीं, फिर आखिर में ना हमको इतना गुस्सा आया, इन्होंने बोला पेपर पर लिख के थे हम याद करेंगे, फिर हमने बाकायदा याद किया जो शादी पे टप्पे गाए. तो उसके बाद फिर मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर मिला था पैरेलल उस पे ना लीड पे, अच्छा जियो का ही था, तो मैंने वो मना कर दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में माइंडसेट आ गया मैं नेगेटिव तो नहीं करूंगी, तो फिर मैं हीरोइन नहीं बन पाऊंगी, फिर मैं विलन बनूंगी. तो इस तरह मुझे फिर बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ, मैंने कहा यार तो क्या हो गया, सब नेगेटिव पॉजिटिव करें, लुक एट आयजा, उसने भी नेगेटिव भी किया, पॉजिटिव भी करती है, माशाल्लाह शी इज अ ग्रेट एक्टर. तो मैंने कहा इस तरह के लोग ना ऐसे स्लिप इन कर देते हैं बात आपके दिमागों में, वो रह जाती है, तो कान का कच्चा नहीं होना चाहिए. ये तो नहीं बोला वो आयजा है तुम्हारा करियर अभी शुरू, ये भी बहुत का पानी पी के आ गई ना 12 साल पहले. बट मन्नत मुराद बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. और अब जैसे जैसे बढ़ते कहानी आगे जा रही है, क्योंकि अब शुरू में सही है कहानी बिल्टअप हो रही थी, लेकिन अब वो चारों बहनों की कहानी भी इस मोड़ पे पहुंच गई और मन्नत मुराद के दरमियान की टेंशन और मुराद अम्मा के पीछे, तो अब मुझे तो बहुत मज़ा आता है. आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि मैंने आज ही बैठ के देखा अगली बार प्रोमो में क्या हो रहा है, मुझे हंसी आ रही थी, मुझे नुदरत आई है ना वापस, आई वॉज लाफिंग जो दोनों ने ड्रामा स्टार्ट, दोनों ने जो ड्रामा स्टार्ट किया ना, आई वॉज लाफिंग. अभी मैं भी आ गई उस घर में. हाँ वो आपकी वजह से तो वो आ रही है, वो आई है तो ये भी आ रही है. But thank you so much for taking out time and doing this segment with us. I am hoping that आप जो सारे fans हैं मन्नत मुराद के वो उसको बड़ा enjoy करेंगे. और I think conversation में हमने वैसे भी generally बड़ी अच्छी interesting बातों को touch किया है जो वैसे भी लोग सुन सकते हैं, hopefully learn कर सकते हैं कुछ ना कुछ. I hope so. And thank you so much for your time. Thank you so much. Take care. Thank you for having us. Allah Hafiz.